का भी दूसरे महीने का सर चल रहा है। एक और है टेस्ट मनी मेरे पास में सर, उनकी एक मेरे ही परिवार से हैं, उनका सर काफी समय से स्किन 3-4 साल से रह रहा था और इस तरीके का वो वही लाल लाल चकत्ते सर पड़ा करते थे और बहुत जबरदस्त जैसे एक सोराइसिस जैसा रूप धारण कर रखा था। तो वो मैंने जब से जैसे ही ज्वाइन किया और इस्तेमाल कराया तो वो आज बिल्कुल ऐसे हल्का फुल्का रह गया है और बाकी वो चकत्ते वगैरह बिल्कुल ठीक हो गए हैं और स्किन बिल्कुल साफ हो गई है, हल्का रह गया है सर, दूसरे महीने का चल रहा है, 1.5 महीना हो गया लगभग और वो भी ठीक है। और पैरों में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, वही थोड़ा चिकनाई की कमी और चुरचुर बोला करता तो उसमें भी रिस्पॉन्स मिला। और सर कई से और जो वो सर्दी जुखाम जल्दी जल्दी हो जाया करता था तो वो भी अब होना कम हो गया है। तो सर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे टेस्ट मनी मेरे बीच आए हैं, बहुत बहुत बढ़िया, लोगों को फायदे हुए हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा सर ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मंच और ऐसा हमें शायद नहीं मिलने वाला है और सभी लोगों से यही को पूरे भरोसे, पूरे विश्वास, सही नीयत, सही सोच, सही संस्कारों के साथ काम को करें और यही अगर अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो कभी भी जो है सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आप जैसे सर लीडर, आप जैसे गुरु, आप जैसे हमारे साथ होंगे तो हमें आगे बढ़ने से सर कोई नहीं रोक पाएगा और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे जो लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे अपलाइन हैं, वो भी बहुत बढ़िया वो हैं, इतना गाइडलाइन और इतने साथ सहयोग के साथ चल रहे हैं लेकर, तो उनके लिए भी धन्यवाद सर। यही मेरी टेस्ट मनी था, यही मेरे विचार थे सर और आगे को और सर बतलाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपने सर मुझे मंच पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आने के लिए डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, वीरेंद्र कुमार मौर्य बरेली से और ये बरेली नरेश हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी है इनका, टेस्ट मनी आपने देखा। और नेक्स्ट जो चलते हैं सविता प्रसाद के पास जो छपरा से है। सविता मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। तो आप तैयार हैं? जी सर, मैं तैयार हूँ। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। हेलो सर जी, हाँ आवाज आ रही है आपका, क्लियर है। ओके सर, नमस्कार दोस्तों, मैं सविता प्रसाद बिहार से जूम मंच पे आए सभी पार्टिसिपेंट को वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हम आज बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी से कंपोनेंट्स, कंपोनेंट से मर्कुलस और मेल और फीमेल का बायोलॉजिक रिलेशन होता है तो एक सेल्स का निर्माण होता है। दोस्तों सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मसल्स, मसल से 79 ऑर्गन्स, ऑर्गन से 12 सिस्टम, तब जाके हमारे बॉडी का निर्माण होता है। दोस्तों हमारे बॉडी को चलाने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत होती है, वो है 72% वाटर, 12% फूड, 6% एयर, 4% हीट और 6% स्पेस की जरूरत होती है। अगला हमारा है कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी होने के कारण। टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जहरीले तत्वों को जमा होना, मत टॉक्सिन्स होता है। दूसरा हमारे न्यूट्रिशन डिफरेंसी, पोषक तत्वों की कमी, हर व्यक्ति में पोषक तत्वों की कमी रहती है क्योंकि हम लोग जो भी खाते सहरे साग सब्जी खाते हैं उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पा रही है क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में खाद व केमिकल मिलाए जाते हैं। दोस्तों अगला हमारा है रेडिएशन अटैक, रेडिएशन अटैक हमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सारी चीज़ों से रेडिएशन अटैक होता है। दोस्तों अगला हमारा है स्ट्रेस,
स्ट्रेस हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, किसी को जॉब को लेकर, किसी को पढ़ाई को लेकर, इन सारी चीजों से स्ट्रेस रहती है। अगला हमारा है ट्रीटमेंट मेथड, वो है पहला हमारा है फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवा हम जब लेते हैं तो हमारे बीमारी जो होता है वो थोड़ी मतलब कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, बट वो कुछ ही दिनों बाद फिर हमारा वो दर्द वगैरह जो भी होता है वो फिर आ जाता है हमारे पास। न्यूट्रासिटिकल जो है एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे सेल्स पे जाके काम करता है, इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है दोस्तों। अगला हमारा है इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, आयुर्वेदा आहार। आयुर्वेदा आहार में हमें फल फ्रूट इन सारी चीजों का सेवन करना चाहिए। दूसरा हमारा है योगा एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज हमें नियमित रूप से करना चाहिए। फिर अगला हमारा है मेडिटेशन, यानी कि माइंड कंट्रोल, हमें माइंड को भी कंट्रोल करना चाहिए। अब हम कंपनी की प्रोफाइल की बात कर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कंपनी की प्रोफाइल, हमारी कंपनी का नाम रिनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। यह 3 जुलाई 2018 को इंडिया में लॉन्च हुई थी और इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु और कर्नाटका में है। इसके फाउंडर सोनाकर नायक जी हैं और डायरेक्टर के चौधरी हैं। हमारी कंपनी के पास सिंगल प्रोडक्ट है जिसका नाम रिनेटिस नोवा है और उसका MRP 1549 है, जिसमें 9 इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अब हम इन सब का नाम जान लेते हैं। पहला हमारा है मैंगो स्टीन। मैंगो स्टीन को फलों की रानी कहा जाता है। इसमें 42 जेंथोन पाए जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। यह एक मौसमी फल है जो कि गर्मियों में पाया जाता है। यह हृदय रोग और कैंसर को भी खत्म करने में मदद करता है। पेचिश डायरिया मसूड़ों संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। इसमें विटामिन सी की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। यह श्वसन प्रणाली पर बहुत अच्छा काम करता है। यह दमा के लिए भी काफी फायदेमंद है। दूसरा हमारा है मक्का रूट। यह मक्का रूट पेरू देश में पाया जाता है, वहाँ के लोग इसे सब्जी में यूज करते हैं और यह यौन इच्छा को बढ़ाने, बांझपन को दूर करने में काम करता है, रक्तचाप को कम करता है और ऊर्जा सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यह पुरुष प्रजनन क्षमता को बढ़ाए रखना और मनोदशा सुधारने का काम करता है। मक्का रूट में विटामिन और खनिज की अच्छी मात्रा मौजूद रहती है। यह डिप्रेशन को कम करने और त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। अगला हमारा है साइबेरियन जिनसिंग। साइबेरियन जिनसिंग यह एक पौधा है जो दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। साइबेरियन जिनसिंग को दिल की बीमारी, आर्थराइटिस को भी खत्म करता है। यह त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, अल्जाइमर, नींद की समस्या को भी खत्म करता है। अर्थराइटिस में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है दोस्तों। अगला हमारा है एल्डरबेरी। यह हमारे हृदय से जुड़ी हर बीमारी को खत्म करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने में सहायता करता है। पेट की समस्या को दूर करता है, वजन घटाने का काम करता है। यह सर्दी जुकाम में काफी फायदेमंद है। यह तनाव को भी दूर करता है। इसमें जो कैंसर रोधक गुण होते हैं जो करने में मदद करते हैं। यह शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार है। कब्ज की समस्या और पित्ताशय को की इस बीमारियों को, गुर्दे की सूजन को भी कम करता है। त्वचा पर पड़ने वाले झुर्रियों से बचाता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। अगला हमारा है सावर चेरी। सावर चेरी में कॉपर, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है। चेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यह कैंसर में कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। यह कब्ज की समस्या से दूर राहत दिलाता है। हृदय को स्वस्थ रखने और अनिद्रा से छुटकारा दिलाता है। यह वजन कम करने में काफी लाभदायक है दोस्तों। अगला हमारा है ब्लैक करंट। यह यूरोप के कई हिस्सों में, उत्तर एशिया के प्रदेशों में पाया जाने वाला पौधा है जो कि उसके फल के लिए प्रसिद्ध है। ये मासिक दर्द को कम करता है, अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में, गठिया, डायरिया, हेपेटाइटिस, बेहोशी और चक्कर आना, लिवर और गले में होने वाले सूजन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों।
यह हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, यह अल्जाइमर को भी खत्म करता है। इसमें विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन ई भी पाई जाती है दोस्तों। अगला हमारा है रसबेरी। इसमें विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसमें सभी फलों से अधिक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह वजन कम करने, कैंसर का इलाज, डायबिटीज को ठीक करने में और मेमोरी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। अगला हमारा है गेनोडर्मा लुसिडियम। इसे किंग ऑफ हर्ब बोला जाता है, यानी कि औषधियों का राजा। इसे लाल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। यह डायबिटीज, डिप्रेशन पर बहुत अच्छा काम करता है। यह कैंसर को भी खत्म करता है दोस्तों। अगला हमारा है सिगरो, यानी कि सजन। सिगरो इसे सजन भी कहा जाता है। यह 4000 वर्ष पुराना औषधि है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज और कैल्शियम पाए जाते हैं। यह हड्डियों में जोड़ों के दर्द को कम करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। यह 300 से ज्यादा बीमारियों पर भी काम करता है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें किन किन लोगों को नहीं देना है। ये प्रोडक्ट हमें 4 लोगों को नहीं देना है। दूध पिलाने वाली महिला को, और प्रेग्नेंट महिला को, और 3 साल से छोटे बच्चे को, और किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट को नहीं देना है दोस्तों। अब हम कंपनी में हमें जुड़ने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, नॉमिनी नेम और मोबाइल नंबर देना होता है, तब हम इसमें ज्वाइनिंग कर लेते हैं। हमारी कंपनी के पास 5 पैकेज है, जो कि हम इसमें से कोई सा भी पैकेज लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। पहला हमारा है पैक है बेसिक पैक। बेसिक पैक में हम 2 बोतल से स्टार्ट करते हैं, जिसका डीपी रेट 2160 रुपये है और बाइनरी इनकम 8% है दोस्तों। दूसरा हमारा है प्रमोशनल पैक। प्रमोशनल पैक में हम 6 बोतल से स्टार्ट करते हैं, जिसका डीपी रेट 6300 रुपये है और बाइनरी इनकम 10% है। तीसरा हमारा है बिजनेस पैक। बिजनेस पैक में हम 10 बोतल से स्टार्ट करते हैं, जिसका डीपी रेट 10500 है और बाइनरी इनकम 12% है। चौथा हमारे प्रोफेशनल पैक। प्रोफेशनल पैक में हम 18 बोतल से स्टार्ट करते हैं और डीपी रेट 18700 है, जिसका बाइंडिंग इनकम 14% है। पांचवा हमारा है इंटरप्रेन्योर पैक। इंटरप्रेन्योर पैक में हम 40 बोतल से स्टार्ट करते हैं, जिसका MRP 41000 रुपये है, नहीं डीपी रेट 41000 रुपये है और बाइंडिंग इनकम 16% है। कंपनी में 5 तरह के इनकम है। अगर हम इसमें से कोई सा भी पैकेज लेते हैं, लेके स्टार्ट करते हैं, तो हमें इस कंपनी में 10 तरह के इनकम लेने के हकदार बन जाते हैं दोस्तों। तो वो हमारा पहला हमारा है रिटेल बोनस, जिसका डीपी रेट 934 रुपये है और MRP 1549 और रिटेल प्रॉफिट 469 रुपये है दोस्तों। दूसरा हमारा है डुअल टीम टर्नओवर। इसको हम मैचिंग इनकम भी बोलते हैं। यहाँ पर हम 8% से लेकर 16% तक इनकम ले सकते हैं और इसमें कंपनी हमें 21 लाख की वीकली और 84 लाख की मंथली देती है दोस्तों। अगला हमारा है टीम डेवलपमेंट बोनस। टीम डेवलपमेंट बोनस में हमें 500 सीसी बिजनेस का मैचिंग करना हो, 500 सीसी लेफ्ट और 500 सीसी राइट करना होता है, तो कंपनी हमें हर वीक 2 बोतल फ्री देती है, जिसका कॉस्ट 3098 रुपया होता है। अगला हमारा है जेनरेशन एडवांस बोनस। इसमें हमें एग्जीक्यूटिव रैंक क्वालिफाई करना होता है। कंपनी हमें अनलिमिटेड डेट तक 10% का जेनरेशन इनकम देती है दोस्तों। अगला हमारा रिट्रीट बोनस। इसमें हमें 3000 सीसी का मैचिंग करना होता है, वो भी 3 महीने के अंदर, तो हम इस रिट्रीट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और उसमें 1 night और 2 days का प्रोग्राम होता है, खाना पीना रहना ये सब फ्री होता है दोस्तों। अगला हमारा है अवार्ड रिवार्ड। अवार्ड रिवार्ड में कंपनी हमें बहुत बड़ा इनकम देती है। हमें किंग बनने तक 33 करोड़ रुपये देती है। मोबाइल लैपटॉप से लेकर लग्जरी का और किंग बनने तक 33 करोड़ रुपया गिफ्ट देती है दोस्तों। अगला हमारा है टूर एंड वेकेशन। टूर एंड वेकेशन में कंपनी में 2 तरह के
टूट देती है, एक हाफ ईयरली इंटरनेशनल और एक एनुअल इंटरनेशनल टूर। तो हाफ ईयरली इंटरनेशनल टूर में हमें 45,000 सीसी लेफ्ट और 45,000 सीसी राइट करना होता है, तो हम इस एशियन टूर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगला हमारा एनुअल टूर। एनुअल टूर में हमें 1,45,000 सीसी लेफ्ट और 1,45,000 सीसी राइट का बिजनेस करना एक साल में करना होता है, तो हम इस टूर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगला हमारा है नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेशनल लाइफ टाइम में अचीवमेंट में इंडिया के अंदर जितना भी बिजनेस होता है उस बिजनेस के टर्नओवर का 2% कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है दोस्तों। अगला हमारा है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट में इंडिया के बाहर जितने भी बिजनेस होती है उस बिजनेस के टर्नओवर का 2 कंपनी हमें बांट देती है दोस्तों। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। अनिल सर, मंच और माइक संभालिए सर। जी जी, बहुत शानदार, बहुत मार्वेलस, एक्सीलेंट, शानदार रहा आपका प्रेजेंटेशन, बहुत ही बढ़िया। और सविता मैम का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, तो दोस्तों आप सबको अच्छा लगा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और सब अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज जो है बहुत सारे लोगों ने इनको जो है सुना है, पहली बार सुना है, ये ऐसे सेकेंड टाइम था इनका प्रेजेंटेशन, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने सबसे बढ़िया सोशली डिजिटली जो है इन्होंने सीख के जो है प्रेजेंटेशन दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि इतने कम समय में एक लेडीज जो है गांव से जो है डिजिटली केवल जूम मीटिंग सुन के ये प्रेजेंटेशन को तैयार करके प्रेजेंटेशन दे सकती है। तो आप सब भी दे सकते हैं, आप सब भी यहाँ आगे आ सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना है। एक दिन जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तभी लीडर बनेंगे, लीडर बनेंगे तो काम होगा तो आगे बढ़ेंगे, तो सपने होगा, तो ड्रीम होगा, तो सब आपके सपने पूरे होंगे। तो आगे जो है सबसे पहले जो हैंड रेज हुआ है लक्ष्मीकांत मौर्य जी के पास चलते हैं। लक्ष्मीकांत मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग। सबसे पहला तो सभी लोगों को बहुत बहुत रॉकिंग और सुबह की मॉर्निंग। और दूसरा मैडम, प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने समय का बढ़िया ख्याल रखा, समय को जो वो अपनी लाइफ को किसी किनारे से दूसरे किनारे रखता है सर, समय हिसाब से। आज मैडम ने ध्यान रखते हुए हमारे जो नौ इंग्रेडिएंट हैं और प्लान है और हमारे जो इनकम के तरीके हैं, सारे चीजों को कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आप बहुत जल्दी कोशिश करते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, आप सही रास्ते पर चल चुके हो मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्मीकांत रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग। और नेक्स्ट जो हैंड रेज हुआ है, एक बार जो है चलते हैं, पीयूष प्रसाद जी का हैंड रेज हुआ था। पीयूष प्रसाद जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। पीयूष जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। पीयूष जी, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है, रॉकिंग रेनेटस। हाँ, रॉकिंग सर, रॉकिंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग और रॉकिंग। और सर, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूँ तो सविता जी के द्वारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, जैसे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, और जो भी जानकारी थी बहुत अच्छा है, और थैंक यू। और आपको भी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू।
थैंक यू पीयूष जी, आप जो है इतना अच्छा से सुने, प्रेजेंटेशन जो है तैयारी करा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी जो है डेली आते रहिए, ज्यादा ज्यादा गेस्ट को लेके आइए, और आपका भी प्रेजेंटेशन एक दो दिन में रखने वाला हूँ मैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो आपका चलिए कल, आज आज कौन सा दिन है, मंगलवार है ना? हाँ सर, बुधवार को फिक्स है, बृहस्पतिवार को आपका रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बृहस्पतिवार को पीयूष जी का रहेगा। दोस्तों ज्यादा ज्यादा लेके आए, कल बुधवार को लाल बहादुर मौर्य जी का है, तो एक बार चलते हैं लाल बहादुर मौर्य जी जो। और सर क्या जो टाइमिंग चेंज हो गई है क्या इसकी? नहीं, टाइमिंग सेम है, आज जूम मीटिंग, इंस्टाग्राम पे मीटिंग चल रहा था ना, मेरा मीटिंग था उसमें, मेरा अच्छा, फिर अच्छा. रिविजन क्लास था, तो इसलिए लेट हो गया आज। ओके, कल से ओके, जो है बिल्कुल 6:05 पे मिलेंगे, 7:05 पे सर। 7:05 सेम टाइमिंग रहेगा, सेम टाइमिंग। ओके ओके सर, ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल का प्रेजेंटेशन रहा लाल बहादुर मौर्य जी के पास, चलते हैं। लाल बहादुर मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आप अपने सेट से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस, बहुत बढ़िया सर प्रेजेंटेशन था मैडम जी का, और काफी जी ने वो बातें बताई सर, शॉर्टकट में और सही चीज बताया, जी जी समय का ध्यान रखते हुए सर। तो जी जी मैडम को बधाई सर, और सर हम भी तैयारी में है सर, कल हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है सर। जी कल आपका प्रेजेंटेशन होगा और बढ़िया से होगा, ज्यादा ज्यादा गेस्ट को लेके आना है, और कल रिकॉर्डिंग भी होगा आपका प्रेजेंटेशन का। जी सर, जी सर, जी सर, तो तैयारी कर ले। और ज्वाइन किए हुए हैं सर, हाँ बोले, राकेश मौर्य हैं सर, राकेश प्रयागराज। मौर्य, प्रयागराज से राकेश मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। और डेली आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, यहाँ पे सीखने का काम है, लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हैं, और सारा ड्रीम, सारे सपने अचीव कर सकते हैं, टाइम एंड मनी का फ्रीडम, आजादी और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलता है। तो राकेश जी आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आपको अनम्यूट किया गया, आप अपने साइड से अनम्यूट होकर आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन आज का कैसा लगा आप बतला सकते हैं। कोई बात नहीं, राकेश जी नहीं हो पा रहे तो लाल बहादुर जी एक बार बतला दीजिएगा अनम्यूट कैसे होना है, और कल की प्रेजेंटेशन में ज्यादा ज्यादा गेस्ट को लेके आइए, ज्यादा ज्यादा लोगों को लेके आइए, और दोस्तों आप सब भी एक एक गेस्ट को लेके जरूर आए, और कल का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होने वाला है लाल बहादुर मौर्य जी का। तो थैंक यू लाल बहादुर मौर्य जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये लाल बहादुर मौर्य जी बहुत शानदार लीडर है, और नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे बीच में है रूबी सिंह कुशवाहा, नारी शक्ति के साथ, नारी शक्ति की जान। रूबी में आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आपके साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। हमारे सभी पार्टिसिपेंट को सुबह का गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनोवियंस, हमारे इमरजेंसी में नारी शक्ति का शानदार प्रेजेंटेशन सविता मैम, हमारे बिहार छपरा से, बहुत अच्छा रहा मैम, आगे इसे ही जाना है, किंग तो जाना ही है। थैंक यू मैम आपको इमरजेंसी में लर्न करने के लिए, आपको इतना अच्छा मौका मिला, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जो है रूबी मैम बहुत शानदार, आप डेली आते रहे। और नेक्स्ट जो चलते हैं राजकुमार रविदास जी हैं, एक राजकुमार रविदास जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है सर, शानदार शानदार। और जितने भी रेवेन्यूएंट्स हैं मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए, मैं झारखंड बोकारो से बिलोंग करने वाला हूँ, मेरा नाम राजकुमार रविदास हुआ। और सर मेरे पास 2-3 टेस्ट मनी है, मैं बताना चाहता हूँ। जी सर, सुन पा रहे? हाँ बतलाइए, बतलाइए। मैं खुद का टेस्ट मनी बता रहा हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तभी से मेरे मतलब ये फाइल्स का ये सिस्टम खराब था, कि मतलब दवा कराते थे उसके बाद फिर से हो जाता था, मतलब फिर ठीक हो जाता था, फिर से हो जाता था, ऐसा करके मैं बहुत सारा थक चुका था। तो मैं जब
कैंसर वाले को भाई को दिया तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा, तो मेरे पास मतलब विश्वास करने के सिवा और कुछ नहीं रहा, तो मैं विश्वास करके और उसको खाने लगा, तो मैं 10 दिन में ही रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा, मतलब ये ब्लडिंग जो चालू था वो चीज खत्म हो गया, दर्द थोड़ा देता था वो भी खत्म हो गया, मेरे फेस पे बहुत ब्लैकन हो गया था वो भी फ्रेश हो रहा है, अभी मैं आईना देखता हूँ तो बहुत अच्छा हो रहा है फेस जी जी। और मैं बगल में एक भाभी लगती है उनको दिया था,